सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पुलिस अधीक्षक ललित साकेवार के द्वारा जिले में हो रहे अवैध मादक पदार्थ की बिक्री को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए। इसी निर्देशन में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अतुल सिंह को भूपीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध गांजे की सिल्ली लेकर सप्लाई करने के लिए बनखंडी रोड पर अपने घर में चिम चौराहे के पास छोटी छोटी पुड़िया बना रहा। टीआई की मुखबिर की सूचना पर बनखंडी रोड पर जिम चौराहे के पास जाकर दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। तभी पुलिस ने आरोपी को पीछा किया तो उसके पास से पकड़े गए काले बैग में रखा करीब 8 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 85,000 रुपए बतलाई जा रही है। आरोपी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर शहर में गांजा पीने वालों को सप्लाई करता था। टीआई कोतवाली के द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट।